हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए मैं बहुत ही सुंदर बूट लेके आई हूँ बेबी के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको जाली बनाते हुए बनाएंगे। और देखिए चोटी वाला डिजाइन दे रखा है मैंने, दो कलर से इसको बना रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे आप 34 फंदे डाल लीजिए और इनको 5 धारियाँ उल्टी उल्टी बना लीजिए। 1 2 3 4 5। अब हम डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे, तो एक फंदा उल्टी सिलाई से बनाएंगे हम इसको। और देखिए एक एक बनाया, एक उतारा हमने पहले ऐसे ही और एक बना दिया। फिर इस तरह से जाली बनाई, एक फंदा दो फंदे का एक बनाया, फिर जाली बनाई दो फंदे का एक बनाया, फिर जाली बनाई दो फंदे का एक बनाया, फिर जाली बनाई दो फंदे का एक बनाए। ये फ्रेंड मैं न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। अगर इससे बड़ा बनाना है आपको तो आप जाली बनाते हुए इसको बढ़ा सकते हो और ऊपर से फंदे इतने ही डलेंगे इसमें। जाली बनाई और लास्ट तक हम इसी तरह से बना देंगे इसको। देखिए जाली बनाई, दो का एक बनाया, फिर जाली बनाई 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 और लास्ट में भी दो का एक बनाया। अब इसके बाद देखिए एक धारी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, दो सिलाइयाँ जिससे हमारी एक धारी बन के आती है। ये तो हम बनाएंगे ही, इसके बाद एक और बना लेंगे, उसके बाद मैं चोटी बनाना बताती हूँ आपको। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड दो सिलाइयाँ लगा ली मैंने, अब ये चोटी बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे बनाई है तो यहाँ भी हम चोटी बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये सीधी सिलाई पे हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। ये देखिए पहला फंदा हम उल्टा बना दिया, धागा इस साइड को करेंगे, फिर अगला फंदा फिर उल्टा इस कलर से, फिर इस साइड को धागा करा, फिर ये वाला बनाया, फिर धागा इधर करा, फिर इस कलर की। इस तरह से हम पूरी सिलाई लास्ट तक बना देंगे। ये क्रॉस करना है हमने धागा। ये देखिए जो फंदा बनाएंगे उसको इस साइड करेंगे, ये बनाया इसको इस साइड करा, ये बनाया इसको इस साइड करा। इस तरह से हमें लास्ट तक सभी फंदों को कंप्लीट कर देंगे अपने। और फिर उल्टी सिलाई बताती हूँ मैं आपको, बस इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है दोनों कलर से एक एक फंदा। अब देखिए फ्रेंड सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, अब उल्टी सिलाई पे बनाएंगे हम। तो पहला फंदा हम वैसे उतारेंगे और इसको हम उल्टी सिलाई से सीधी साइड को बनाएंगे इस तरह से। और जिस जिस कलर का हमारे पास ये है वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए एक इस कलर का, अगला फिर हम इस कलर का, धागा इस तरह से क्रॉस करते जाना है, जो बना दिया उसको इस तरह से इस साइड उंगलियों से पकड़ लेंगे। ये देखिए फिर अगला बनाया, इस तरह से हम लास्ट तक सभी फंदों को बना देंगे जिससे हमारी ये चोटी बन के आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से क्रॉस करा, फिर बनाया, क्रॉस करा, फिर बनाया, क्रॉस करा, फिर बनाया। इस तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड ए वाली सिलाई पूरी करने के बाद उल्टी, तो इस तरह से हमारी ये चोटी बन के आई है। अब दो सिलाइयाँ हम इस वाले कलर से एक सीधी और एक उल्टी बना लेते हैं, फिर मैं आपको जाली डालना बताती हूँ। बस इसी तरह से सभी फंदों को हमने इस सिलाई में सीधा और अगली में उल्टा बना देना है। अब देखिए फ्रेंड दो सिलाइयाँ लगा ली मैंने, अब इस तरह से हमें 9 जालियाँ बनाएंगे। ये देखिए तो 16 फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे सीधे बना देंगे। यहाँ पे जाली बन गई, एक दो। फिर धागा आगे करेंगे और 16 फंदों को इस तरह से, ये देखिए जाली बन गई हमारी, सीधा बना देंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको किस तरह से जाली बनाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, पहले हमने 16 फंदे बनाए थे, अब हम 17 बनाएंगे। दो, इस तरह से हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और ये जाली वाला है, इसको भी हम सीधा बना देंगे तो 17 हो गए। फिर धागा आगे करा, इन दो फंदों पे हमने हमेशा 9 बार जालियां बनानी है, एक दो। फिर धागा आगे करा, 17 फंदों को फिर सीधा बना दिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी एक दो जालियां बन गई। तो 9 जालियां बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बस इसी तरह से हमने 9 जालियां बनानी है। अगर इससे बड़ा बनाना है आपको तो यहाँ पे जालियां बढ़ा सकते हो, जिससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और बड़ा साइज बन जाएगा। ये न्यू बॉर्न बेबी से 1 साल के बच्चे का है, तो मैंने 9 जालियां बनाई है। अगर इससे बड़ा बनाना है तो आप फंदे बढ़ा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, 9 जालियां बना ली मैंने। अब हम इस तरह से यहाँ पे भी एक चोटी बनाएंगे, तो वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधी सिलाई पे उल्टा बनेगा। तो हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर इस तरह से क्रॉस कर देना है धागे को। अब एक हम इस कलर का बनाएंगे, फिर ए वाला इस साइड को करेंगे, फिर ए वाला बनाएंगे, फिर इसको इस साइड करेंगे, फिर ए वाला। इस तरह से हम पूरी सिलाई बना देंगे दोनों तरफ से, एक एक कलर बनाते हुए। और फिर उल्टी सिलाई बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई बना ली मैंने सीधी, अब उल्टी सिलाई से बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल फंदे 52 फंदे हैं। अब देखिए, जिस जिस कलर से हमें फंदा आएगा उसी कलर से हमने उसको बनाना है, और ये वाला इस तरह से क्रॉस करना है, फिर ये बनाना है। देखिए ये वाला हम उंगलियों से इस तरह से पकड़ेंगे, ये बनाएंगे, पूरी सिलाई इसी तरह से बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये वाली सिलाई हम सीधी बनाएंगे और एक उल्टी बनाएंगे। उसके बाद फिर हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धारियां ये, और दो सिलाइयां हम उल्टी सीधी यहाँ पे बनाएंगे पहले, फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए ये वाली सिलाई हम सीधी बनाएंगे और अगली उल्टी, और तीसरी सिलाई फिर हम सीधी साइड को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरा, फिर आपको बंद करना और सिलना बताऊंगी और डोरी बनाना। बस इसी तरह से हमने इसको सीधा बनाना है और अगली उल्टी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 सिलाइयाँ लगा लीजिए, फिर उल्टी उल्टी। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 धारियाँ बना ली मैंने। अब हम इसको सिलेंगे। छः धारियाँ बनाने के बाद एक फंदा हमने बनाया, ये देखिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे। अगला बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। लास्ट तक इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर देंगे और फिर मैं आपको सिलना बताऊंगी। देखिए इस तरह से, ये मैं बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे हम इसको तो सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो पहले हम ये वाला पार्ट सिलेंगे,
दोनों कलर से सिलेंगे, ये वाला इस कलर से, अगले वाला अगले से। ये चोटी इस तरह से मिलाएंगे, अब आगे हम इस वाले कलर से सिलेंगे। यहाँ पे और ए वाला मैं इस वाले कलर से सिल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जो जो कलर हमारा है उसी से हम सिलेंगे इसको। इसको भी हम उसी तरह से सिलेंगे जिस तरह से हम सिलते आए हैं, दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए। अब यहाँ से आगे हम ग्रीन से सिलेंगे यहाँ तक, ये मैं सिल लेती हूँ फिर आगे का दिखाती हूँ। अब यहाँ तक सिल लिया मैंने, अब देखिए आगे भी हम इसी तरह से सिलेंगे, पर ये जो आगे वाला गुलाई देंगे हम थोड़ी सी यहाँ पे, तो इसको हम सिंगल करके इस तरह से उंगली डाल लीजिए और इस तरह से इसको टाइट खींच लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। अब देखिए किस तरह से ये अब यहाँ से हम धागा काट देंगे। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा सोल बन के आया है, और ये नौ जालियाँ और ये डोरी बनाई है मैंने। ये डोरी हम इस पे लगा देंगे, तो देखिए डोरी किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से दो धागे लेंगे, उनको डबल कर देंगे और फिर इस तरह से घुमाते जाएंगे और दोनों सिरे इस तरह से पकड़ के, ये देखिए सेम डोरी हम इसी तरह से बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा पेयर बन के रेडी हो गया है, और डोरी लगा देंगे और ये देखिए हमारा बूट बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।